हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अज्ञेय साहब, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब। अज्ञेय साहब बड़े मस्त मौला आदमी रहे हैं। इन्होंने खूब तो विदेशी दौरे किए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसमें हिस्सा भी लिया और कई साल जेल में भी रह के आए हैं। तो आइए पढ़ते हैं अज्ञेय साहब को, जिनकी रचना अपने हिंदी के सिलेबस में है, तो अपन इनको यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, इनका जन्म जो है वो 1911 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुशीनगर यूपी में जन्मे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, मृत्यु इनकी 1987 में नई दिल्ली में। इनकी शिक्षा मद्रास विश्वविद्यालय से हुई थी। इन्होंने अपना जो उच्च स्तरीय जो एजुकेशन था वो यहाँ से प्राप्त किया था। और पैसेज की अगर बात करें तो ये कवि भी हैं, पत्रकार भी हैं, उपन्यासकार हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद लेखक हैं, कथाकार भी हैं और निबंधकार भी हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो इनकी जो रचना है उसमें एक है शेखर एक जीवनी, उसके बाद है इनका आंगन के पार द्वार, फिर इन्होंने लिखे हैं तार सप्तक, पहला लिखा है तार सप्तक, फिर प्रथम तार, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, इस तरीके से इनकी रचना है। और एक है इनका त्रिशंकु। इनके जीवन साथी का नाम था कपिला वात्स्यायन। आगे अपन बात करेंगे, इन्होंने जो पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुए थे उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था और अकादमी पुरस्कार भी जो है वो इनको प्राप्त हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, कौन सी कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला, कौन सी कृति पर इन्हें अकादमी पुरस्कार मिला, ये सारे देखेंगे। अज्ञेय जो हैं ये प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। ठीक है, याद रखना, नई कविता और प्रयोगवाद में इनका नाम आता है। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुवादित किया, अनुवाद किया, उसको ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इनके जीवन परिचय अपन जानेंगे, तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर हुई थी। आगे का दिन तो इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त किया, जैसा कि अपन ने देखा है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर हुई थी इनके पिता की देखरेख में, जहां पर इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया था। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। देखो, जन्म यूपी में हुआ, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मद्रास के एंट्रेंस की एग्ज़ाम जो है वो इन्होंने पंजाब से प्राप्त करी थी, उसके बाद ये मद्रास चले जाते हैं। तो इनके ना शुरू से ही जो है एक प्रकार से इन्होंने भ्रमण करना शुरू कर देते और कई बार फिर बाद में फिर विदेशों से लेकर के भारत तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी करवाया था। वहाँ से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में बीएससी करने के लिए लाहौर के फरमन कॉलेज की छात्र हो गए। ठीक है, वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। उसके बाद 1929 में बीएससी करने के बाद एमए उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी और इनको कई वर्ष जेल में भी रहना पड़ा था। अब इनके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि 1930 से लेकर के 1936 तक विभिन्न जेलों में काटे, 4 साल जेल में भी रहे थे और 2 साल नज़रबंद रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके ये 6 साल हो जाते, 4 साल जेल में और 2 साल नज़रबंद रहे थे। 1936-37 से सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था, एक सैनिक और दूसरा था विशाल भारत। तो ये जो पत्रिकाएं थी, इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे, पहले तो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े, उसके बाद फिर इन्होंने ब्रिटिश सेना में भी काम किया। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद से प्रतीक नामक एक समाचार पत्रिका थी उसको निकाला था और ऑल इंडिया रेडियो AIR में इन्होंने नौकरी स्वीकार की थी। इसके बाद इन्होंने देश विदेश की खूब यात्राएं करी, जिसमें इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर के जोधपुर विश्वविद्यालय तक अध्यापन का काम इन्होंने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम इनकी कुछ रचनाओं के बारे में, इनका सब कुछ, इनकी प्रकृतियाँ वगैरह देखेंगे अपन। और इसके बाद दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक पत्र जो था, है ना, दिनमान साप्ताहिक, उसके बाद नव भारत टाइम्स, उसके बाद अंग्रेजी पत्र वाक,
और एवरीमैन्स जैसी पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कितनी नामों में कितनी बार पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला था। तो ये दो महत्वपूर्ण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो आंगन के पार द्वार पर मिला था इन्हें, और दूसरा मिला था कितनी नामों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इन्हें मिला था। तो ये दो पुरस्कार आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब इनकी कृतियों की बात करते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है ना इनकी इनके कविता संग्रह पर अलग अलग बात करेंगे। इनकी कविता संग्रह जो है पहले देख लेते हैं, इनकी कहा इनकी कविता क्या क्या है, फिर उसके बाद इनकी कहानियाँ निबंध उपन्यास सब कुछ देखेंगे। तो इन्होंने देखो लिखा भग्नदूत 1933 में, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में, अरे ओ करुणा प्रभामय 1959 में, आंगन के पारद्वार 61 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं देखो कितनी नावों में कितनी बार इस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखिएगा ठीक है, 1967 में लिखी थी इन्हें, और 1978 में इन्हें और 1978 में जो है वो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद कहते हैं क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की महक पर छाया, प्रिजन डैज एंड अदर पोएम्स, ये अंग्रेजी में इन्होंने लिखा था। तो ये तो इनकी हो गई कविता है, याद रखिएगा ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनकी कहानियों की। तो इन्होंने वी पतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल 1951 में लिखी, ये इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी प्रथम भाग जिसका नाम है उत्थान 1941 में, द्वितीय भाग जिसका नाम है संघर्ष 1944 में, तीसरा भाग है नदी के द्वीप 1951 में, और अपने अपने अजनबी 1961 में। इनके यात्रा वृतांत में अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, और एक बूंद सहसा उछली ये 1960 में जो है वो इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है इनका निबंध संग्रह, सबरंग त्रिशंकु 1945, आत्मनिपद 1960, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, और इसके बाद सब रंग और कुछ राग लिखी कागज कोरे। इसके बाद इनकी आलोचना है त्रिशंकु, आत्मनिपद, भवंती और अद्यतन। इसके बाद इनके संस्मरण, स्मृति लेखा, डायरी है इनकी भवंती, अंतरा और शाश्वती, नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, और फिर इनकी जो जीवनी है ना, इनकी जीवनी राम कमल राय ने लिखी है शिखर से सागर तक, ये इनकी जीवनी है शिखर से सागर तक। इसके बाद इनके संपादित ग्रंथ आते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य, उसके बाद आता है तार सप्तक, ठीक है, इसके बाद इनका आता है तार सप्तक आता है, और इसके बाद इन्होंने देखो लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य, उसके बाद इनका तार सप्तक हो गया, फिर आता है दूसरा सप्तक 1943 में तार सप्तक, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक जो है वो 1959 में इन्होंने लिखे नई एकांकी 1952 में, और रूपांबरा 1960 में इनका ग्रंथ है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि उनका लगभग समग्र काव्य सदा निरा दो खंडों नाम से संकलित हुआ है। अज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जैसे युगांतकारी काव्य संकलनों का भी संपादन किया, और पुष्करिणी और रूपांबरा जैसी मौलिक और अनूठे काव्य संकलनों का संकलन भी किए थे। अज्ञे रचनावली के 18 खंडों में इनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित किया करने का प्रयास किया गया है, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में इन्हें जो है वो कितनी नावों में कितनी बार पर मिला है। तो ये हमने पढ़ा है अज्ञे साहब को, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी कविताएं। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कंप्लीट जो हिंदी का सिलेबस है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी कंपलसरी का, ज्योग्राफी है ना, ये सारे सब्जेक्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट ये सारे सारा सिलेबस आपका तैयार करके आपको अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, तो ये सारा का सारा आपको मिलेगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम से
हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से इस डाउनलोड करके और हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। प्रत्येक सब्जेक्ट का कोर्स हम मात्र 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा रहे हैं, ओनली 99 रुपीज़ पूरी एक साल की वैलिडिटी के साथ। और इसके अलावा हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, और ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप देना चाहें तो वहाँ पे दे सकते हैं। आपको प्रश्न उत्तर MCQs सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।